पहाड़ों में धान की रोपाई के दौरान सेरा हिट गैलानी रोपणियों का दिन एगिन गीत हर किसी को भाव विभोर कर देता है। यह अनूठी परंपरा सदियों से चली आ रही है। कुमाऊं की हुड़किया बोल पर धान की रोपाई की जाती है, जो कि कुमाऊं की एक अपनी परंपरा है। लेकिन अब यही परंपरा बागेश्वर डीएम को भी भाने लगी है। इसलिए तो डीएम साहब बारिश में भीगते हुए महिलाओं के साथ धान की रोपाई करने पहुंच गई। दरअसल आजकल हर जगह धान की रोपाई की जा रही है, उसी के चलते बागेश्वर के बिलौना में भी कई महिलाएं धान की रोपाई कर रही थी। लेकिन इस दौरान बागेश्वर डीएम अनुराधा पाल भी धान की रोपाई कर रही महिलाओं के साथ हुड़किया बॉल के साथ धान की रोपाई करने पहुंच गई। जिलाधिकारी को अपने बीच पाकर महिलाएं काफी खुश नजर आईं। हुड़किया बोल के साथ धान की रोपाई उत्तराखंड की एक पुरानी परंपरा है, जो अब कुछ स्थानों में रह गई है, जहां उसे बचाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं हुड़किया बोल के बीच पहुंचकर जिलाधिकारी ने कहा कि उत्तराखंड में लोकगीतों की समृद्ध परंपरा रही है, हुड़किया बोल इसमें प्रमुख है। उन्होंने कहा है कि खेती और सामूहिक श्रम से जुड़ी ये परंपरा जीवंत रहे, इसका बीड़ा सभी को उठाना चाहिए। जिलाधिकारी ने हुड़किया बोल के साथ धान की रोपाई को अपना पहला अनुभव बताते हुए इसे आनंदित करने वाली संस्कृति बताया। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ ही प्रवासियों को भी इस प्रकार के आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इससे जहां एक ओर हुड़किया बोल जैसी पारंपरिक संस्कृति को बल मिलेगा, तो वहीं हुड़का वाद्य यंत्र बजाने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा। ये मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है, क्योंकि हुड़किया बोल जो एक हमारी प्राचीन संस्कृति है, जिसमें पुरुष जो है वो हुड़का हमारा जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है उसको बजाते हैं, महिला धान की रोपाई करते हुए पारंपरिक अपने जो लोकगीत हैं उनको गाते हुए इंजॉय करते हुए धान की रोपाई करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी फसल बहुत अच्छी हो। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं प्लेन एरिया से आती हूँ, वहाँ पर भी धान की रोपाई होती है, वहाँ का थोड़ा कल्चर अलग है, यहाँ का कल्चर बहुत अलग है, एकदम जिसे बोलते हैं एकदम सजीव कल्चर, एकदम अच्छा सा कि एक आनंद की अनुभूति होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा धान की रोपाई करके, सब महिलाओं ने साथ दिया और सभी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतने प्यार और इतना अच्छा मुझे। इसीलिए हमारे जो दानू जी हैं, जो हमारे जो पारंपरिक जो हमारे जो वाद्य यंत्र बचाने वाले रह गए हैं, हमें उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट करना है। जो भी हमारे यूथ आइकन हैं, जितने भी लोग हैं, जैसे अभी मैंने पार्टिसिपेट किया तो लोगों में एक मैसेज देने के लिए भी एक जरिया है। ऐसे में और जो भी युवा हैं हमारे, जो अच्छे अच्छा बाहर अपनी छोड़ के बाहर जा चुके हैं, लेकिन कम से कम वो जब छुट्टी में आते हैं यहाँ पर आते हैं, तो वो अगर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो लोगों का मोटिवेशन होगा, उनका मनोबल भी बढ़ेगा, जैसे महिलाओं का भी और मनोबल बढ़ेगा, वो और नए उत्साह से धान की रोपाई भी करेंगी। रोपाई तो उनको करनी है, लेकिन एक उत्साह के साथ, एक फीलिंग के साथ अगर करते हैं तो उसका महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सभी से मैं यही अपील करूँगी कि इसको इन्जॉय करते हुए अपने काम को करेंगे तो उसका महत्व बहुत ज़्यादा। थोड़ा बहुत बारिश से थोड़ा मौसम थोड़ा वो ख़राब हो गया। हम एक संदेश देना चाहते हैं और श्रीमान जिला अधिकारी महोदय का हम आभार प्रकट करते हैं कि हमारे खेतों में जाकर उन्होंने अपने हमारी महिलाओं के साथ, माता बहनों के साथ उन्होंने रोपाई की। एक संदेश और ये पारंपरिक हमारी जो हुड़किया बॉल है, रोपाई में, गुड़ाई निराई में इसमें जाता है। और हुड़का जो है कि देवताओं का आह्वान या देवी देवताओं का, जैसे जागर और हमारे यहाँ के सलपातियाँ कई त्यौहार होते हैं, ये तीज त्यौहारों पर गाया जाता है, बजाया जाता है, और आपने उसको प्रमोट करने का काम किया श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी का, और यहाँ के सारी महिलाओं का आभार प्रकट करते हुए। कुमाऊं के लोकगीतों का अतीत अत्यंत समृद्ध रहा है। लोकगीतों के ही कई आयाम हैं। लोकगीतों को इतने सलीके से तराशा गया है कि इसमें जीवन का सार दिखता है। अपनी पुरातन विरासत को सुरक्षित करने और उसे नई पीढ़ी तक ले जाने का प्रयास सभी को करना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook